अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जहां हमेशा खौफनाक सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन फिर भी यह अंतरिक्ष शांत नहीं है, क्योंकि इस खौफनाक और अंतहीन अंतरिक्ष के सभी ग्रह और पिंड कुछ ना कुछ सिग्नल्स उत्पन्न करते रहते हैं, जिसे मनुष्य सामान्यता नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ खास मशीनों के द्वारा सुन सकता है। जब से मनुष्य ने होश संभाला है, तब से ही वह दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज में लगा हुआ है, और इसी कारण मनुष्य ने अंतरिक्ष से आने वाली हर एक ध्वनि और तरंगों पर अपना शोध चालू करके रखा है, इस सोच में कि क्या पता उनमें से किसी ध्वनि से दूसरी दुनिया के किसी प्राणी का संकेत मिल जाए। और आखिरकार मनुष्य इसमें सफल हो भी गया है। अंतरिक्ष में से किसी दूसरी सभ्यता, जिसे हम एलियंस कहते हैं, उसने हमें अपने संकेत भेज दिए हैं। यह घटना घटी थी 15 अगस्त साल 1977 में, जब अमेरिका के द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे आधुनिक यंत्र ने अंतरिक्ष में लगभग 200 लाइट ईयर्स दूर से किसी एलियन के सभ्यता के सिग्नल रिसीव किए थे, और वो भी 1 मिनट 12 सेकंड यानी करीबन 72 सेकंड तक लगातार। यह सिग्नल आ रहा था सैगिटेरियस सितारों के समूह से, जो कि 200 लाइट ईयर्स दूर थी। इस सिग्नल को वैज्ञानिक जेरी एहमन ने प्राप्त किया था, और वह खुशी में इतने पागल हुए कि उन्होंने इसे सर्कल करके वाओ लिख दिया था, और तब से ही दुनिया इसे वाओ सिग्नल के नाम से जानती है। इस सिग्नल को आज तक कभी सुलझाया नहीं जा सका है, और आज तक उस सैगिटेरियस तारों के समूह से वापस कोई संकेत आए भी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संकेत उन एलियन सभ्यता ने 200 प्रकाश वर्ष पहले भेजे थे, जो धरती पर 200 प्रकाश वर्ष के बाद अब पहुंचे, और हो सकता है कि यह सिग्नल उन एलियन सभ्यताओं ने इमरजेंसी में किसी तीसरी एलियन सभ्यता से मदद मांगने के लिए भेजे हों, और वो अब तो या तो सैगिटेरियस सितारों के समूह में मर चुके हैं, या उसे छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस गए हैं, और यही कारण है कि अब उस सैगिटेरियस सितारों के समूह से कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, भले वो एलियन सभ्यता आज जिंदा हो या नहीं, पर हमें यह पता है कि वह कम से कम हमसे 200 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब हम तो उनके ग्रह के आसपास आने वाले 500 सालों तक तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई यान मनुष्य बना ही नहीं सकता, और अगर बना भी ले तो 200 साल तो जिंदा नहीं रह सकता कि वह सफर करके उनकी खोज में अंतरिक्ष की सैर पर निकल सके। लेकिन क्या पता कुछ सदियों के बाद मनुष्य यह करने में भी संभव हो जाए। लेकिन याद रहे कि हमारा ब्रह्मांड बेहद शक्तिशाली है, और वह अपने राज जल्दी खुलने नहीं देता, तो क्या पता धरती पर जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसी में हम एक दूसरे को तबाह कर दे और हमारा भी अंत हो जाए, और इस ब्रह्मांड का राज हमेशा की तरह ही राज रह जाए। आज हम आपको ऐसे दो समुद्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मिलकर भी कभी नहीं मिलते। कोई कहता है कि इसका जिक्र शिव पुराण में है, तो कोई कहता है कि इसका जिक्र कुरान में है, लेकिन फिर भी कोई भी इसका रहस्य नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, और हमारे नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में शुमार है अलास्का की खाड़ी। इस खाड़ी में ऐसी जगह है जहां दो अलग अलग समुद्रों का पानी जब टकराता है तो देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। जहां एक तरफ गहरा नीला पानी है तो दूसरी तरफ मटमैला नीला पानी। कहते हैं कि इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। इस नजारे को देखकर
हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है कि आखिर इन दोनों समुद्रों का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता। आखिर इसका रहस्य क्या है? क्योंकि इस नजारे को देखकर तो यही लगता है कि पानी के बीचों बीच कोई रहस्यमयी अदृश्य दीवार है जिसे दोनों समुद्रों में से लांघने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। दुनिया भर में कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ते हैं। मुस्लिम मान्यताओं की माने तो यह अल्लाह का चमत्कार है जिसका जिक्र पवित्र कुरान में भी है। वहीं हिंदू मान्यता के मुताबिक इसका जिक्र शिव महापुराण में भी किया गया है। यानी प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को धर्म से भी जोड़ा गया है। धरती के करीब 30% हिस्से पर जमीन और 70% हिस्से पर पानी है, लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि धरती पर यह दो महासागर मिलते तो जरूर हैं, लेकिन दोनों का पानी साफ साफ अलग नजर आता है। दरअसल अलास्का की इस खाड़ी में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आकर मिलते हैं। इन दोनों समुद्र की सबसे निराली बात तो ये है कि यह दोनों कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश ही नहीं करते, जिसका अंदाजा आप उनके पानी के अलग अलग रंगों से लगा सकते हैं। अगर आज इस नजारे को करीब से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर शिप से जाना होगा। कहते हैं कि दूर आसमान से देखने पर यह नजारा बेहद शानदार लगता है। दरअसल यह ग्लेशियर से आने वाला मटमैला नीला पानी है तो दूसरा गहरा नीला पानी है। इन दोनों के मिलन की दीवार भी साफ नजर आती है। असल में इन दोनों समुद्र के पानी अलग अलग होने की वजह भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पानी के घनत्व और तापमान समेत कई कारणों से जुड़ा हुआ है। तमाम रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का अलग अलग घनत्व और उसमें मौजूद खनिज की वजह से इन दोनों समुद्र का पानी आपस में नहीं मिल पाता है। प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आने के कारण हल्का नीला होता है और नमकीन होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी काफी ज्यादा खारा होता है। इन दोनों महासागरों का पानी ऊपरी सतह पर अलग अलग घनत्व होने की वजह से कभी नहीं मिल पाता, और यह पानी जब आपस में टकराता है तो कुछ झाग पैदा होता है। यह झाग पानी की ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आता है। सूरज की रोशनी में मीठे और खारे पानी के अलग अलग घनत्व के कारण दोनों पानी का रंग एक दूसरे से एकदम जुदा होता है। कहा जाता है कि हल्के घनत्व वाला पानी ऊपर तैरता है और खारा पानी नीचे तैरता है, यानी मटमैला पानी नीले पानी पर तैरता रहता है, लेकिन इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता। खैर जो भी हो, यह नजारा वाकई चौंकाने वाला होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।